शिवाय नित्याय सत्याय शाश्वत तमाय च अद्वैताय अनंताय अचिंत्य मूर्तये नमो नमः। शक्ति स्वामी महादेव शिव, आप अपने शिवा को यूं एक तक मौन क्यों देख रहे हैं? मैं आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा में यहाँ खड़ी हूँ। कैसी आज्ञा देवी? हे सर्वशक्तिमान, क्या इस संसार का कोई भी रहस्य आपसे छुपा है? मैं पुनः नारी रूप में जन्म लेने की इच्छुक हूँ, जिससे आपकी सहचरी बनकर अपनी अतृप्त मात्र कामना को तृप्त कर सकूं। देवी शक्ति, तुम्हारे सती रूप के त्याग के पश्चात योग और वैराग्य ही हमारे चिर सहचर बन गए थे। योग और वैराग्य तो कल्याण रूपी शिव के स्वरूप है महादेव। इसी कारण इस समय हम अपने योग और वैराग्य में किसी भी प्रकार की बाधा के इच्छुक नहीं हैं। महादेव, क्या प्रथम पूज्य परम देव श्री महागणेश के वचनों की सत्यता संदिग्ध है? असंभव। परम देव श्री महागणेश का वचन सत्यता का प्रमाण है। किंतु उन्होंने मुझे मेरे नारी रूप में मेरे पुत्र के रूप में अवतार धारण करने का वचन दिया है। देवी शक्ति, परम देव श्री महागणेश के वचन को समय की निर्धारित सीमा में बांधा नहीं जा सकता। उसकी पूर्णता के लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी। प्रमाण देने वाली भक्ति हूँ। मैं मानव को सत्कर्मी बनाने वाली पूजा हूँ। देवी सती के आत्मदाह की सूचना से क्रोधित शिव की आज्ञा पाकर वीरभद्र दक्ष यज्ञ को ध्वंस कर दक्ष का वध कर देता है। दक्ष पत्नी देवी वीरणी की प्रार्थना पर भगवान शिव दक्ष को अजामुख बनाकर पुनः जीवन प्रदान करते हैं। ज्योति रूपी उद्विग्न देवी सती श्री महागणेश के दर्शन पाकर शांत होती हैं और श्री महागणेश की प्रार्थना पर उन्हें शक्ति रूप में दर्शन देती हैं। द्वितीय संसार के पहले दैत्य वज्रांग को जन्म देकर उसे ब्रह्मदेव से अमरता एवं स्वर्ग सिंहासन प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। देवर्षि नारद से ये समाचार सुनकर देवराज इंद्र चिंतित हो जाते हैं। श्री महागणेश की कृपा से देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी संसार पर कृपा करने के लिए उत्पन्न होती हैं। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के सम्मुख वैकुंठ में प्रकट होती हैं। पालक जगदीश्वर, भगवान श्री हरि विष्णु, मैं आपकी चिर जीवन संगनी सागर कन्या महालक्ष्मी आपकी चरण सेवा में उपस्थित हूं। हे करुणा के सागर श्री हरि, तनिक अपने कमल नैनों को कष्ट दें और इस चरणदासी पर अपनी कृपा करें। संपदा, वैभव तथा श्री की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी पधारें, आपका बैकुंठ में स्वागत है। सत्य तो ये है देवी महालक्ष्मी कि आपकी कृपा के अभाव में जगत पालन का हमारा निर्धारित कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा था।
आपको पाकर अब हम पूर्ण हुए हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। पूर्ण तो मैं हुई हूँ स्वामी। हम दोनों ही पूर्ण हुए हैं देवी लक्ष्मी। पधारें, हम दोनों मिलकर सृष्टि पालन के पावन कार्य में अपना योगदान दें। रचनाकार ब्रह्मदेव, मैं ज्ञान विज्ञान विद्या और कला की अधिष्ठात्री सरस्वती हूँ। स्वामी, मैं परम देव श्री महागणेश की इच्छा अनुसार आपके श्रीमुख द्वारा प्रकट हुई हूँ। आपके दिव्य प्राकट्य से ये ब्रह्मलोक ही नहीं, अभी तो ये संसार ही संगीत में हो गया है। देवी, ज्ञान विज्ञान कला और संस्कृति के बिना मानव जीवन पशु के समान था, किंतु अब आपके आगमन के पश्चात मानवीय मूल्यों का पूर्ण विकास होगा। स्वामी, मुझे अपनी सहभागिनी सहयोगिनी बनने की आज्ञा प्रदान करें, जिससे मैं आपकी अपेक्षा अनुसार सृष्टि के कार्यों में आपको सहयोग दे सकूं। परम देव श्री महागणेश की प्रेरणा तथा इच्छा से तुम हमारे शरीर से प्रकट हुई हो। वास्तव में तुमने प्रकट होकर हमारा अकेलापन दूर कर दिया है। तुम्हें पाकर हम धन्य हैं देवी। अब अपना आसन ग्रहण करें। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव का साथ पाकर वास्तव में धन्य तो मैं हुई हूँ स्वामी। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव का साथ पाकर वास्तव में धन्य तो मैं हुई हूँ स्वामी। सत्य तो ये है देवी सरस्वती कि हम दोनों ही एक दूसरे को पाकर धन्य हैं। सृष्टि रचना के कार्यों में अब हमें आपका सहयोग मिलने के साथ संसार को अपने विचारों की अभिव्यक्ति का नया माध्यम मिलेगा। अर्थात भाषा को माध्यम बनाकर अपने विचारों को प्रकट करने वाला मानव आज के पश्चात कला और संस्कृति को भी अपने विचारों को प्रकट करने का माध्यम बनाएगा। वीणा को धारण करने के कारण आपको ये संसार वीणा पाणी कहेगा। वाणी की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण आपका वाग्देवी नाम सार्थक होगा। आपकी उपस्थिति से
ब्रह्मलोक का वातावरण संगीतमय हो गया है। इससे सृष्टि रचना का कार्य अधिक सुगम हो गया है। नारायण नारायण। देवी सरस्वती, ये भगवत भक्ति का प्रचार करने वाले परम नारायण भक्त और हमारे मानस पुत्र देवर्षि नारद, और आप स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र, नारद आज्ञा करें परमपिता। देवी सरस्वती ज्ञान विज्ञान विद्या और कला की अधिष्ठात्री देवी है एवं तुम्हारे लिए माता के समान है। तुम्हारी ये वीणा इन्हीं के प्रकट ना होने के कारण ही अब तक मौन थी, अब ये मुखरित हो उठेगी। हमें आप दोनों के ब्रह्मलोक आने का उद्देश्य ज्ञात है। देवराज, देवताओं के ऋषि नारद की सूचना तथा ज्ञान पर संदेह प्रकट करना अनुचित है। मैं क्षमा प्रार्थी हूं परमपिता, किंतु क्या देवराज, दिति पुत्र वज्रांग की तपस्या से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। अर्थात आप उसे वरदान देने नहीं जाएंगे? एक तपस्वी को उसकी तपस्या का प्रतिफल अर्थात वरदान देना हमारा परम पावन कर्तव्य है। नारायण नारायण। अपनी बात तनिक स्पष्ट करें परमपिता। नारद, वज्रांग हमसे वरदान प्राप्त कर अपनी माता की महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए स्वर्ग पर भी आक्रमण करेगा, किंतु क्या परमपिता? यदि तुम लोग बुद्धि और विवेक से कार्य करोगे तो वज्रांग के स्वर्ग अभियान का परिणाम भयानक नहीं होगा। तुम दोनों में पर्याप्त बुद्धि और विवेक है इस संकट से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। तुम अपनी माता वाग्देवी की आराधना करो, वे अवश्य तुम पर कृपा करेंगी। माँ, कहने की आवश्यकता नहीं है देवराज, मेरी कृपा आपके साथ है। किंतु इस वज्रांग रूपी संकट पर विजय पाने के लिए आपको बुद्धि के साथ ही साथ युक्ति की भी आवश्यकता होगी। आप अपनी योजना पर विचार करें, समय आने पर आपको मेरा मार्गदर्शन अवश्य ही प्राप्त होगा। मैं धन्य हुआ, आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हुआ माता। नारायण नारायण। परमपिता, मुझे परमदेव श्री महागणेश के साथ साथ शक्ति माता के दर्शन भी प्राप्त हुए। मैं आपसे यह जानने का इच्छुक हूं कि क्या शक्ति माता के नूतन अवतार का समय आ गया है? नारद, तुम्हारे लिए इस संसार के किसी भी लोक का द्वार बंद नहीं है। तुम्हें यह प्रश्न शक्ति के स्वामी कैलाशपति भगवान सदाशिव से पूछना चाहिए। शिवाय नित्याय सत्याय शाश्वत तमाय च अद्वैताय अनंताय अचिंत्य मूर्तये नमो नमः। शक्ति स्वामी महादेव शिव, आप अपनी शिवा को यूं एक तक मौन क्यों देख रहे हैं? मैं आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा में यहाँ खड़ी हूँ। कैसी आज्ञा देवी? हे सर्वशक्तिमान, क्या इस संसार का कोई भी रहस्य आपसे छुपा है? मैं पुनः नारी रूप में जन्म लेने की इच्छुक हूँ, जिससे आपकी सहचरी बनकर अपनी अतृप्त मात्र कामना को तृप्त कर सकूं। देवी शक्ति,
तुम्हारे सती रूप के त्याग के पश्चात योग और वैराग्य ही हमारे चिर सहचर बन गए थे। योग और वैराग्य तो कल्याण रूपी शिव के स्वरूप है महादेव। इसी कारण इस समय हम अपने योग और वैराग्य में किसी भी प्रकार की बाधा के इच्छुक नहीं है। महादेव, क्या प्रथम पूज्य परम देव श्री महागणेश के वचनों की सत्यता संदिग्ध है? असंभव। परम देव श्री महागणेश का वचन सत्यता का प्रमाण है। किंतु उन्होंने मुझे मेरे नारी रूप में, मेरे पुत्र के रूप में अवतार धारण करने का वचन दिया है। देवी शक्ति, परम देव श्री महागणेश के वचन को समय की निर्धारित सीमा में बांधा नहीं जा सकता। उसकी पूर्णता के लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी। ॐ ब्रह्मणे नमः। 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 मुझे वरदान प्रदान करें परम पिता। ॐ ब्रह्मणे नमः। मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें परमपिता। ओम ब्रह्मणे नमः। इस प्रकार मेरी उपेक्षा ना करें परमपिता। ओम ब्रह्मणे नमः। पुत्र वज्रांग, पुत्र वज्रांग। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। अपना इच्छित वरदान मांगो। हे परमपिता, मैंने अपनी माता दिति के आग्रह पर आपकी आराधना सहित कठोर तपस्या की है। आप मुझे वही वरदान प्रदान करें जिससे मेरी माता संतुष्ट हो। तुम्हारी माता दिति हमारी भी पौत्री है वज्रांग, किंतु वो द्वेष और ईर्ष्या से प्रेरित होकर स्वर्ग पर तुम्हारा अधिकार स्थापित करने की इच्छुक है। उसकी इच्छा है अदिति पुत्र इंद्र
स्वर्ग से पतित हो। हाँ परम पिता, मेरी तपस्या का यही उद्देश्य था। किंतु हम किसी को कष्ट देने का वरदान नहीं दे सकते। यदि तुम्हारे मन में कोई दुर्भावना हो तो हम तुम्हें कदापि वरदान प्रदान नहीं करेंगे। तो क्या आप मेरी तपस्या की उपेक्षा करेंगे? यदि तुम्हारी दुर्भावना प्रकट हुई तो ऐसा करने को हम विवश होंगे दिति पुत्र वज्रांग। किंतु जन्म से लेकर अभी तक तुमने सद्भावना का परिचय दिया है, इस कारण तुम हमसे अतुल बल और इच्छा अनुसार दैत्य सेना प्रकट करने का वरदान प्राप्त कर सकते हो। हाँ परमपिता, मैं अपनी माता दिति के आदेश अनुसार अमरता का वरदान पाने का इच्छुक हूँ। असंभव। मृत्यु प्राणी लोक का अटल नियम है। हम तुम्हें अमरता का वरदान कदापि प्रदान नहीं कर सकते। फिर जो आपकी इच्छा हो परमपिता, मुझे वही वरदान प्रदान करें। हम तुम्हें अतुल बल और इच्छा अनुसार दैत्य सेना प्रकट करने का वरदान प्रदान करते हैं। तथास्तु। Ha 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 ha